अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी ट्रेनिंग एंड गाइडलाइन। दिस इज़ इरफान खान। 154 पीएमएल कोर्स स्टार्ट हो चुका है, लोग अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आईएसएसबी आप डायरेक्ट आईएसएसबी पे कैसे जा सकते हो, आपका पहले इनिशियल टेस्ट होता है फिर आईएसएसबी होता है। आईएसएसबी जो है वो लॉन्ग कोर्स का एक पार्ट, एक हिस्सा है, जो कि आप इनिशियल क्लियर करते हो तो फिर आईएसएसबी होता है। इनिशियल क्लियर करने के लिए आपके पास 3 टेस्ट होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल एक साथ होते हैं। अगर ये क्लियर हुए तो आपका एकेडमिक टेस्ट होगा, अगर ये क्लियर नहीं हुए तो एकेडमिक टेस्ट नहीं होगा। तो इसी इनिशियल टेस्ट में वर्बल पार्ट देखते हैं, जिसके 84 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट टाइम होता है। इसका मतलब ये है कि हर 1 मिनट में आपको जो है वो 4 से 5 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस लाजमी करने हैं, बहुत नेसेसरी है। उसमें इस टेस्ट में 8 से 9 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अभी हम करेंगे। तो लोगों को ये मुश्किल लगते हैं जबकि ये इजी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि इफ टुडे इज फ्राइडे एंड इट्स 5th डे ऑफ मंथ, व्हाट विल बी द डे ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। यानी कि अगर आज फ्राइडे है और ये जो है मंथ का 5वां दिन है, तो इसी मंथ के 26वें दिन पे कौन सा डे आएगा। तो हम इसको सिंपली करते हैं, लोग जो है फिंगर टिप पे गिनते हैं कि अच्छा आज फ्राइडे 5th डे, तो 6 पे जो है वो सैटरडे हो गया, 7 पे संडे हो गया, 8 पे मंडे हो गया। तो वो इस तरह जाते जाते इसमें 2 से 3 मिनट वेस्ट होते हैं और इनका टेस्ट भी फेल हो जाते हैं। इसका एक ईजी ट्रिक है, वो बताता हूँ। वो आप करेंगे तो आपके 7-8 क्वेश्चंस 1 मिनट में भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने कर ली है। आप देखें कि 5th डे को जो वो फ्राइडे था, फिर 5 में से अगर आप 1 वीक के कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो आप 5 में से 7 प्लस करें तो 12 बन जाता है, 12 को फिर से फ्राइडे है। फिर 12 में से 7 ऐड करें तो 19 बन जाता है, 19 को फिर से फ्राइडे, 19 प्लस 7 इज इक्वल टू 26। यानी कि 26 ऑफ दिस मंथ को फिर से फ्राइडे आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हुआ, फ्राइडे हुआ। जो इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आपको नेक्स्ट मंथ में ले जाते हैं, तो वो भी एक दो करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इफ टुडे इज सैटरडे एंड इट्स 29th डे ऑफ मार्च। देखें यहाँ पे इन्होंने पर मंथ जो है वो आपको ऑलरेडी क्लियरली बता दिए कि ये मार्च के मंथ की बात कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द डे ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अभी आप इस क्वेश्चंस को देखें कि ये कह रहे हैं कि अगर आज जो है वो सैटरडे है और 29th मार्च, ठीक है, तो व्हाट विल बी द डे ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल की बात कर रहे हैं कि अप्रैल 7 को फिर जो है वो कौन सा दिन आएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको पता ये होना चाहिए कि कौन से मंथ जो है वो 28 डेज के, कौन से मंथ 30 डेज के या 31 डेज के। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपका आंसर रॉन्ग जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो मार्च वाली मंथ है ये कितने डेज के है। सबको पता है कि ये 31 दिन का जो है वो महीना है, तो फिर हम उसके मुताबिक काउंटिंग करेंगे कि इसका जो है जवाब क्या आता है। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए 29 को हमारे पास कौन सा दिन है, सैटरडे है। 29 मार्च को हमारे पास सैटरडे है। अभी हम देखते हैं कि हमने इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है। 29 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। ये 5 किसकी बात हो रही है, 5 अप्रैल की बात हो रही है। कैसे 29 प्लस 7, 29 को अगर मार्च है, 29 मार्च है, ठीक है, तो फिर 30 एंड 31, तो इसको जो है वो सैटरडे है ना, 29 को, 30 को संडे हो जाएगा, 31 को मंडे हो जाएगा। फिर अगर आप उसमें से 5 और ऐड कर ले, क्योंकि 1 वीक हम ऐड करें ना, 7 डेज, तो फिर वो 5 को सैटरडे आ जाते हैं। और फिर सैटरडे में जो है वो हमें क्या चाहिए, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि 7 अप्रैल को हमें दिन चाहिए, कौन सा दिन है। तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, यानी कि 7 को मंडे, क्योंकि 5 को जो है 5 अप्रैल को क्या है, सैटरडे, 6 को संडे हो जाएगा, 7 को मंडे हो जाएगा। ये आप लोग भी कैलकुलेट कर लेना कि आप लोग के पास कौन सा आंसर आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, 7 से 8, कभी 9, कभी 10,
तो इस पे लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो सिंपली आपने करना ये है कि इसमें 7 7 डेज ऐड करें, क्योंकि हम एक एक वीक इसमें ऐड करेंगे, तो इस तरह हमें जो है वो फ़ौरन जवाब मिलेगा, कुछ सेकंड्स में जवाब मिलेगा। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो, इफ़ नॉट जो आपके पास अपने जेब में एक पेंसिल ले जाएं, और ये आपका जो टेस्ट स्लिप होता है उस स्लिप के पीछे आप इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको पेज अलाउ नहीं करते हैं। तो सिंपली आप जेब में एक पेंसिल डालें और अपने साथ जो आपका टेस्ट स्लिप है लाजमी बात जो आपके साथ रहता है उधर, तो उसके पीछे आप ये कैलकुलेशन पेंसिल से कर सकते हैं। नो इशू, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल, और भी इस तरह के वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू सो मच।